morning, my dear students. Welcome you back in my online EVS class. Dear students, I hope you all are safe at your home and taking care of yourself. Students, as you know, we have completed the reading of chapter 4 in our last class. Chapter name is Big and Small Animals. Today, we are going to start exercise portion of this chapter. So, watch the video carefully and listen to me. Firstly, we will do fill in the blanks. Here, 5 sentences are given to you and options are also given to you. You have to fill the blanks with correct option. आपको क्या दिया गया है? 5 sentences दिए गए हैं. Sentences के साथ आपको option भी दिए गए हैं. आपको correct option को choose करके blank में fill करना है. Firstly, we will do fill in the blanks. Let us read our first sentence. Our first sentence is tigers, T-I-G-E-R-S, tigers, cheetahs and lions. Tiger है, cheetahs है and lions है. जो भी carnivores animals है, means जो animals दूसरे small animals को मारकर उन्हें खा जाते हैं. वो animals क्या करते हैं? Tigers, cheetahs and lions use their dash to balance themselves while making sharp turns. टाइगर, चीता या लॉयन है, ये सब एनिमल्स क्या करते हैं? जब रनिंग कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं? रनिंग करते हुए जब ये शार्प टर्न लेते हैं, जब ये मुड़ते हैं, तो किस चीज का यूज करते हैं? अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए. हियर टू ऑप्शंस आर गिवन टू यू, टेल्स एंड लेग्स. इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? टेल्स. टाइगर, चीता एंड लॉयंस जब रनिंग करते हुए शार्प टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं, तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए टेल का यूज करते हैं. क्लियर? लेट अस रीड दिस सेंटेंस अगेन. टाइगर्स, चीतास एंड लॉयंस यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देमसेल्व्स व्हाइल मेकिंग शार्प टर्न्स व्हाइल रनिंग. टाइगर्स, चीता एंड लॉयंस क्या करते हैं? रनिंग करते हुए जब शार्प टर्न लेते हैं, मीन्स जब वो मुड़ते हैं, तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए टेल का यूज करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड सेंटेंस डायनासोर्स लिव्ड लॉन्ग टाइम एगो बट डिसअपीयर्ड. DISAPPEARED disappeared from earth due to many reasons. Dinosaurs इस अर्थ पर बहुत बहुत साल पहले रहते थे. डायनासोर जो है अर्थ पर बहुत साल पहले रहते थे, बट disappeared from earth, पर इस अर्थ से disappear हो गए, vanish हो गए, गायब हो गए due to many reasons. इसके कई कारण हैं. And are called dash animals. इसलिए उन्हें हम कौन से animals बोलते हैं? Extinct animals. E-X-T-I-N-C-T. Extinct. Dinosaur जो इस अर्थ पर बहुत साल पहले रहते थे, लेकिन बहुत सारे रीजन से ये इस अर्थ से वैनिश हो गए, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? Extinct animals. Extinct animals जो अब इस अर्थ पर नहीं है. दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल. एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से हैं? जो इस अर्थ पर अब नहीं है. एंडेंजर्ड एनिमल कौन से हैं? जो अब बहुत कम संख्या में है. ओके, डायनासोर अब इस अर्थ पर नहीं है, तो ये कौन से एनिमल्स हुए? एक्सटिंक्ट एनिमल्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज, अर्थवर्म्स मूव बाय पुशिंग देयर बॉडीज. अर्थवर्म्स कौन से एनिमल्स हैं? केंचुआ बोलते हैं, जो आपको रेनी सीजन में दिखाई देते हैं. अर्थवॉर्म्स मूव बाय पुशिंग देयर बॉडीज अलोंग द ग्राउंड. अर्थवॉर्म्स कैसे मूवमेंट करते हैं? अपनी बॉडी को ग्राउंड के साथ पुश करते हैं, मीन्स वो रेंग कर चलते हैं. एज दे डू नॉट हैव डैश, क्योंकि उनकी क्या नहीं होती? हियर टू ऑप्शंस आर गिवन टू यू, मसल्स एंड लेग्स. उनकी क्या नहीं होती? लेग्स नहीं होती. अर्थवॉर्म्स move by pushing their bodies along the ground as they do not have legs. Earthworms इस धरती पर ग्राउंड पर कैसे चलते हैं? अपनी बॉडी को पुश करते हुए चलते हैं,
बिकॉज दे डू नॉट हैव लेग्स. फोर सेंटेंसेस द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो. बोन्स जो होती हैं बर्ड्स की कैसी होती हैं, होलो होती हैं, मीन्स एम्प्टी होती हैं, खोखली होती हैं. हैंड दे कैन इजिली लिफ्ट देयर बॉडीज फॉर फ्लाइट. इस कारण से वो उड़ने के लिए अपनी बॉडी को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं. मीन्स उनकी बॉडी बोन्स खोखली होने के कारण कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है. इसलिए जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो अपनी बॉडी को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं. द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो, हैंस दे कैन ईजली लिफ्ट देयर बॉडीज फॉर फ्लाइट. क्लियर? लेट अस रीड दीज सेंटेंसेस अगेन. डायनासोर्स लिव लॉन्ग टाइम एगो बट डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ ड्यू टू मैनी रीजंस एंड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. क्लियर? थर्ड सेंटेंस, अर्थवर्म्स मूव बाय पुशिंग देयर बॉडीज अलोंग द ग्राउंड एज दे डू नॉट हैव लेग्स. अर्थवर्म्स अपनी बॉडी को ग्राउंड पर पुश करते हुए चलते हैं क्योंकि उनकी लेग्स नहीं होती. फोर सेंटेंसेस, द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो, हैंस दे कैन इजिली लिफ्ट देयर बॉडीज फॉर फ्लाइट. डियर स्टूडेंट्स, आर फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंसेस. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड डैश हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम. कुछ एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग्स हैं एंड पेंगुइन्स हैं. फ्रॉग्स एंड पेंगुइन्स हैव वेब फीट. उनके फीट कैसे होते हैं, वेब फीट होते हैं जिनकी हेल्प से वो स्विम कर सकते हैं. सब एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड पेंगुइन्स, आपको टू ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉग्स एंड पेंगुइन्स. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पेंगुइन्स. सब एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड पेंगुइन्स हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम. क्लियर? Dear students, now we will do part B. Part B, name them. अब हम part B करेंगे. Name them. First sentence. First क्या है? Largest bird. Largest. Large means होता है बड़ा. Largest means सबसे बड़ा. सबसे बड़ा bird कौन सा है इस अर्थ पे? Largest bird means सबसे बड़ा पक्षी. Largest bird, ostrich. O-S-T-R-I-C-H, ostrich. Let us read this word again, ostrich. O-S-T-R-I-C-H, ostrich. Largest bird कौन सा है, ostrich. Second is tallest animal. Tall means लंबा, tallest means सबसे लंबा. Tallest animal, giraffe. G-I-R-R-A-F-E, giraffe. G-I-R-R-A-F-E, giraffe. Tallest animal, giraffe. Third one is largest animal on the earth. इस अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? अर्थ में लैंड भी आती है और वॉटर भी आता है. लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, इस अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? ब्लू वेल. बी एल यू ई ब्लू वेल. डब्ल्यू एच ए एल ई ब्लू वेल. लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा एनिमल ऑन द अर्थ. लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, ब्लू वेव. फोर्थ इज लार्जेस्ट एनिमल लिविंग ऑन लैंड. जो जमीन पर सबसे बड़ा एनिमल है. लैंड का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? अफ्रीकन बुश एलिफेंट. इस अर्थ का बड़ा एनिमल है ब्लू वेव और लैंड पर रहने वाला, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? अफ्रीकन बुश एलिफेंट. स्पेलिंग ऑफ अफ्रीकन इज ए एफ आर आई सी ए एन. अफ्रीकन बुश बी यू एस एच बुश एलिफेंट. ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट. बेटा आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको अर्थ से आपसे अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल पूछा जाए तो आप ब्लू वे लिखेंगे, अगर लैंड पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? अफ्रीकन बुश एलिफेंट. क्लियर? लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज ब्लू वेल एंड लार्जेस्ट एनिमल लिविंग ऑन लैंड इज अफ्रीकन बुश एलिफेंट. फिफ्थ सेंटेंस इज वाइल्ड एनिमल्स. आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल देने हैं, लॉयन, टाइगर, बियर एटसेट्रा. वाइल्ड एनिमल्स के आप कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं.
वाइल्ड एनिमल्स लॉयन, एल आई यू एन लॉयन, टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर, बियर, बी ई ए आर बियर, एटसेट्रा मीन्स और भी एनिमल्स है जो वाइल्ड एनिमल्स है, मीन्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं. लेट अस रीड ऑल सेंटेंसेस अगेन. लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच. लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच. टोलेस्ट एनिमल सबसे लंबा एनिमल जिराफ. लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल. लार्जेस्ट एनिमल लिविंग ऑन लैंड. सबसे बड़ा एनिमल जो लैंड पर रहता है वो कौन सा है? अफ्रीकन बुश एलिफेंट. वाइल्ड एनिमल्स के एग्जांपल कौन से हैं? लॉयन, टाइगर, बियर, एटसेट्रा. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू पार्ट सी. पार्ट सी इज अनसक्रैम्बल द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द क्यूज. आपको कुछ एनिमल्स के नेम कैसे दिए गए हैं? सही सही पोर्शन में नहीं दिए गए हैं. मींस आपको कुछ जंबल लेटर्स में एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, साथ में आपको क्लूज भी दिए गए हैं. आपको क्या करना है? क्लूज की हेल्प से उन एनिमल्स के नेम फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? फर्स्ट इज KOMYEN, लीव्स सोन ट्रीज. अब आपको क्या करना है? इन लेटर्स की हेल्प से एनिमल्स का एनिमल का नेम सर्च करना है जो एनिमल ट्रीज पर रहता है. कौन सा एनिमल बन जाएगा ये? मंकी. MONKEY, मंकी. लीव्स ऑन ट्रीज कौन सा एनिमल ट्रीज पर रहता है? मंकी. MONKEY, मंकी. सेकेंड इज टोलेस्ट एनिमल. आपको इन लेटर्स की हेल्प से टोलेस एनिमल सर्च करना है. टोलेस एनिमल जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, टोलेस एनिमल कौन सा है? जिराफ. इन लेटर से कौन सा एनिमल बन जाएगा? जिराफ. GIRAFFE जिराफ. क्लियर? GIRAFFE जिराफ. टोलेस एनिमल कौन सा है? जिराफ. हमने जिराफ के स्पेलिंग इन लेटर्स की हेल्प से ही बनाए हैं. थर्ड वन इज दे होप ऑन द ग्राउंड. कौन सा एनिमल होप करके चलता है ग्राउंड पर? मीन्स जंप करके चलता है. रैबिट. RABBIT रैबिट. RABBIT रैबिट. दे होप ऑन द ग्राउंड, रैबिट. फोर्थ वन इज दे लिव इन वॉटर. आपको इन लेटर की हेल्प से उस एनिमल का नेम फाइंड आउट करना है जो वाटर में रहता है. वैसे तो वाटर में फिश भी रहती है, पर इन लेटर की हेल्प से फिश नहीं बनेगी, वेल भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? डॉल्फिन. DOL डॉल्फिन. PHINS डॉल्फिन्स. दे लिव इन वाटर, डॉल्फिन्स. लास्ट वन इज दे डू नॉट हैव लेग्स. इन एनिमल्स की लेग्स नहीं होती. कौन से एनिमल्स हैं वो? स्नेक्स. SNAKES स्नेक्स. लेट अस रीड ऑल सेंटेंसेस अगेन. डैश लीव्स ऑन ट्रीज. क्या बन गया? मंकी. MONKEY मंकी. सेकंड वन इज टोलेस्ट एनिमल कौन सा बन गया? जिराफ. GIRAFFE जिराफ. थर्ड वन इज दे होप ऑन द ग्राउंड, रैबिट. RABBIT रैबिट. नेक्स्ट वन इज दे लिव इन वॉटर, डॉल्फिन्स. DOLPHINS डॉल्फिन्स. लास्ट वन इज दे डू नॉट हैव लेग्स. इनकी लेग्स नहीं होती. कौन सा बन गया एनिमल? स्नेक्स. SNAKES snakes. Dear students, I hope exercise of chapter 4 is clear to you. If anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.